अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि आप कौन सी लैंग्वेज लें, जावा सीखें या फिर पाइथन। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, याहू या फिर नासा लगा लीजिए, फेसबुक, ये सब पाइथन का यूज़ करते हैं, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज के साथ साथ एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है जिससे कि आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं और वो भी नॉर्मल से कोड से। अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है तो भी आप उन कोड्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिमेम्बर रख सकते हैं किसी भी चीज़ को तो आपके लिए वो लैंग्वेज सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर आपको नॉर्मली बेसिक एक या दो लाइन का कोड लिखना होता है जिससे आप वो वर्क करवा सकते हैं जो कि जावा में आपको 5 या 6 लाइन के कोड से करवाना पड़ता। तो यहाँ पर पाइथन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जावा लैंग्वेज से, पर आप जावा लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। इसके लिए मैंने स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है और वहाँ पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, और उसके साथ साथ आप एप्लीकेशन बनाना भी सीख सकते हैं जावा में। अगर आप वो चीज़ सीखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जा करके वो कोर्स ले सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इन वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई एरर आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, और भी सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हालांकि मैंने सी लैंग्वेज से रिलेटेड भी कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स भी साथ साथ चल रहा है तो आप वो भी सीख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये कोर्सेज आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जब भी नोटिफिकेशन आए उस वीडियो को जा करके आप देखिएगा और उससे सीखिएगा नए जो भी कोर्स में हम शुरू करने वाले हैं पाइथन कोर्स। और यहाँ पर मैं बेसिक और एडवांस दोनों सिखाने वाला हूँ। पाइथन थोड़ा आसान है इसीलिए मैं कुछ कम वीडियोस में ही इसको कंप्लीट कर दूंगा। बेसिकली आज हम सीखने वाले हैं कैसे आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप बेसिक कोड लिख सकते हैं या फिर हेलो वर्ड लिख सकते हैं पाइथन में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि पाइथन को डाउनलोड करना होगा, और इसके साथ हम एक एडिटर भी डाउनलोड करेंगे जो कि पाइथन में रन करेगा। इसीलिए आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और उसमें आपको टाइप करना है पाइथन, और यहाँ पर जो पहला ही लिंक है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब इस वेबसाइट पे आपको डाउनलोड मिलेगा, डाउनलोड पर जाकर के आप ओल्ड रिलीज पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे रिलीज वर्जन मिल जाएंगे, बट आप लेटेस्ट करिएगा जो कि डाउनलोड में है 3.7.4। उसको डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक एडिटर है, उसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी, तो मैं इनको सिंपली मैंने इसको डाउनलोड करके रन करवा लिया है। अब आपको एक एडिटर चाहिए, और पाईचार्म से अच्छा मैंने एडिटर नहीं देखा है, क्योंकि पाईचार्म बेस्ट है। पाईचार्म को आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं या पाईचार्म वेबसाइट की फर्स्ट लिंक से आप इसको नीचे जा करके देखिए, यहाँ पर डाउनलोड है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, और इससे आपको फ्री कम्युनिटी वाला आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर बना है तो आप पाइथन के लिए इसको डाउनलोड कर लीजिए। बेसिकली थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो चुका है, अभी इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको कि यस नेक्स्ट, और यहाँ पर देखिए आप जो लोकेशन देना चाहें दे सकते हैं, और नेक्स्ट। अब इन सभी बॉक्सेस को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी बॉक्सेस अब लॉन्चर पाथ और सब कुछ ऐड करने के बाद ही आपको होगा। इसके बाद आपको इसको रन करवा लेना है और फुल इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें इस रिस्टार्ट की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम रिस्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों पीसी रिस्टार्ट हो चुका है, अब पाइचार्म को रन करवा के देखते हैं। और यहाँ पर आपको यूजर स्टैटिक, यहाँ पर सेंड यूजर स्टैटिक कर दीजिएगा। ये डाटा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर देना है, और इससे आपका एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का आप नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का नेम पाइथन टेस्ट दूंगा। हम यहाँ पर सिंपली पाइथन को टेस्ट करने वाले हैं और उसकी जो बेसिक कोडिंग है वो सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा एनवायरमेंटल वेरिएबल्स मिल जाते हैं, जहाँ यहाँ पर आपको टिप्स भी दी जाती हैं। अगर आप अलग अलग टिप्स सीखना चाहते हैं, जैसे कि कौन सा कोड कब किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आपको टिप्स मिल जाएंगी। आप बहुत सारी टिप्स के साथ उस चीज़ को भी रन करवा सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर नॉर्मल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम हेलो वर्ड से स्टार्ट करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इस प्रोजेक्ट पर जाना है ऊपर। अब बेसिकली हम क्या है, यहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड
कि प्रिंट करने वाले हैं या फिर उससे रिलेटेड कुछ स्टेप सीखने वाले, और राइट क्लिक करके आप न्यू फाइल बना लेंगे। न्यू फाइल में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप कौन सी फाइल यूज करना चाहते हैं। आप एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं, SVG बनाना चाहते हैं, पाइथन, यहाँ पर हम में जो भी ऑप्शन है सभी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास प्लेन टेक्स्ट के लिए मिल जाता है, HTML के लिए मिल जाता है, पर आप यहाँ पर पाइथन यूज करने वाले हैं तो पाइथन पर क्लिक कीजिएगा। और इससे आपकी एक पाइथन, आपको बेसिकली हेलो वर्ड लिखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो भी बेसिक सिंपल कोड है, प्रिंट और फिर ब्रैकेट, अब इसके अंदर आपको डबल कोमा और उसके अंदर आपको लिख देना है हेलो वर्ड। ये सबसे आसान लैंग्वेज है क्योंकि यहाँ पर आपको सिंपली प्रिंट लिखना है और उसके अंदर आपको हेलो वर्ड लिख देना है। वरना अगर आप सी लैंग्वेज देखेंगे या फिर और भी जावा देखेंगे तो उसमें आपको तीन चार लाइन का कोड तो लिखना ही पड़ता है। अब क्या करेंगे, रन करवा के देखेंगे। पर रन करवाने से पहले ये देखिए कि आप इस लाइन जो कोड लिखा है उससे अगली लाइन में चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर जब रन करवाते हैं आपके पास ऑप्शन है स्क्रैच या कॉन्फ़िगरेशन का, स्क्रैच पर क्लिक कीजिए। अब देखिए ये फाइल रन हो चुकी है और यहाँ पर आपके पास हेलो वर्ड आ चुका है। बेसिकली ये रन होती है कंसोल में, और कंसोल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कंसोल बेसिकली इन कोड्स को बैकग्राउंड में रन करवाता है, और ये कंसोल्स आपको हर जगह मिल जाए। अब अगर आप हेलो वर्ड के बीच में स्लैश एन टाइप कर देते हैं तो यहाँ पर एक और कोड रिटर्न हो जाता है, जिसमें कि आपका जो नेक्स्ट दो वर्ड्स हैं उनके बीच में अगर ये स्लैश एन लगा है तो अगला वर्ड स्पेस है, इसको हम हटा देते हैं स्पेस को। अब रन करवा के देखते हैं तो देखिए ये बिल्कुल दोनों लाइन में आ चुके हैं। अब क्या करना है, सिंपली हम इस कोड को प्रिंट हेलो वर्ड कर दिया है, अब कुछ और बेसिक सीखते हैं हम, स्ट्रिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, और कैसे आप एक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक बुलियन भी कह सकते हैं, बुलियन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम नंबर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई नंबर है तो हम नॉर्मली एक, और हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, एक नंबर के लिए हम एक नेम देने वाले हैं जो कि होगा इज नेस नंबर इज इक्वल टू, हम वो नंबर लिखने वाले हैं। यहाँ पर हम नंबर 5 दे देते हैं, और बेसिकली क्या करते हैं इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, प्रिंट इज नंबर, और अब सिंपली हमें क्या करना है इसको रन क्लिक कर देना है। जैसे हम रन पर क्लिक करेंगे तो देखिए रन हो चुका है और 5 हमारा प्रिंट हो गया आ चुका है। अगर मान लीजिए हमें नंबर नहीं और भी ज़्यादा स्ट्रिंग्स हैं और जो ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट्स हैं या फिर बूलियंस हैं वो यूज करने हैं, तो और यहाँ पर ओनली नंबर्स के लिए ऐसे कोड राइट करते हैं। और अगर हमें सिर्फ स्ट्रिंग यूज़ करनी है, ओनली स्ट्रिंग के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली ऐसे ही हमको उसको एक कोई नेम देना होगा, या फिर दे सकते हैं आप इज स्ट्रिंग और इज इक्वल टू में आपको डबल कोमास के अंदर लिखना होगा जो भी आप लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर यस लिखा है तो ये एक स्ट्रिंग हो गई। और मान लीजिए आप स्ट्रिंग नहीं सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो ओनली स्टेटमेंट, और बुलियन के लिए आपको क्या करना है इज स्टेट इज इक्वल टू, जो भी आप स्टेट ट्रू या फॉल्स देना चाहे वो ट्रू फॉल्स स्टेट देना चाहते तो लिख सकते हैं। अब देख लीजिए आपको सिर्फ एक एक लाइन का कोड लिखना पड़ा है, और प्रिंट करवाने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, अब आपको कोमा स्प्लेटेड सब चीज़ लिख देनी है, जैसे कि इज नंबर के बाद मैं इज स्ट्रिंग लिखूंगा और फिर कोमा लगा करके इज स्टेट लिख दूंगा। तो यहाँ पर आपको तीनों जो है जो भी हमारे वेरिएबल्स थे वो प्रिंट होके आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम रन करवा के देखते हैं, तो रन करवाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको 5 यस और ट्रू तीनों एक लाइन में प्रिंट होके आ चुके हैं। तो आप बेसिकली ऐसे भी कोड्स को रन करवा सकते हैं। हम थोड़ा सा और एडवांस सीखते हैं कि कैसे आप नंबर ऑफ लाइन्स जो भी कोड होंगे उन पर रन करवा सकें इस चीज़ को, और उन कोड्स को आप एक साथ प्रिंट करवा सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली इस कोड को हम पहले यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, और अब क्या करते हैं कि हम चार ही लाइन का एक कोड लिख लें। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पर जितना भी हैरी और जो 5 जो भी नेम हो उसको हम रिप्लेस करेंगे सिर्फ वन लाइन कोड से। यानी अगर कोई भी प्रिंट हो रही है वर्ड उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं अपने कुछ एक कॉमन वर्ड से तो उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि मान लीजिए कि हैरी यहाँ पर 2 लाइन्स में आया है, पहली और फोर्थ लाइन में। मान लीजिए यहाँ पर 200 लाइन का कोड हो और हैरी हर जगह पर आ रहा है और हमें नेम चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, तो वही मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं।
बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि इज नेम इज इक्वल टू हैरी, और हैरी को हम डबल कॉमास के अंदर लिख देंगे। और अब क्या करना है कि देख लीजिए, अगर हैरी इज नेम स्ट्रिंग में आ गया तो हम बेसिकली क्या करना है, यहाँ से हैरी को हटा देंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे हम स्ट्रिंग को। जब स्ट्रिंग को नेम दिया है वो यहाँ पर लिख दीजिए इज नेम, और यहाँ पर जहाँ भी हैरी है आप उसको रन करवा, बेसिकली यहाँ पर हैरी है तो यहाँ पर मैं हैरी को कट कर दूंगा और यहाँ पर एड साइन, और फिर यहाँ पर हम नॉर्मली लिख देंगे इज नेम। ओके, अब हम कोड इस कोड को रन करवा के देखते हैं। जैसे ही हम रन करवाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ हैरी था वो चेंज होकर के हैरी रह गया है, बट यहाँ पर वो चीज़ स्ट्रिंग में आ चुकी है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कोई भी चीज़ चेंज करना चाहें तो इज नेम में जो भी हैरी लिखा हुआ था उसके चेंज से वो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है जैसे 1 और 5 ईयर जो दिया हुआ है उसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर हम नॉर्मली लिखेंगे इज एक्सपर्ट इज इक्वल टू, और जो भी हम नंबर लिखना चाहते हैं जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पर 1 लिखना चाहता हूँ तो 1 नंबर लिख सकता हूँ। अब ये 1 नंबर यहाँ पर आपकी इस लाइन में बिल्कुल मिड में से लाइन के बीच में है तो इसको कैसे लिखेंगे, सिंपली 2 सेपरेटेड डबल कोमा और उनके बीच में 2 एट साइन और उसके बीच में आपको इज एक्सपर्ट लिखना होगा। अब अगर इस कोड को आप रन करवाते हैं तो देखिए आपको 1 ईयर वैसे ही 1 लिखा हुआ आ रहा है, यानी अगर आपको बीच में भी कोई चीज़ लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब क्या है कि अगर मान लीजिए इज एक्सपर्ट यहाँ पर लिखा 1 के लिए यूज किया, और मान लीजिए 5 के लिए भी हमें यही एक सेम नेम यूज ना देना पड़े स्ट्रिंग के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर हम देखिए स्प्लिटेड कोमा को हटा देते हैं और यहाँ पर हम इज एक्सपर्ट लिख एड साइन क्लिक करके हम यहाँ पर इज एक्सपर्ट लिखते हैं और अब कोड को रन करवाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दोनों जगह पर 1 और 1 हो चुका है, तो हमें यहाँ पर 5 चाहिए था 1 नहीं चाहिए था। अब यहाँ पर एक चीज़ और सीखने को मिलती है हमें कि पाइथन में अगर आप कुछ उस कोड से पहले वही कोड लिख करके इज इक्वल टू अगर आप उसको चेंज कर देते हैं 5 में और फिर आप रन करवाते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कोड वैसे ही रन करते हैं। जैसे देखिए आपको सबसे पहले ऊपर मैंने 1 लिखा था और नीचे 5 लिखा था तो कोड ऐसे ही रन होगा, ऊपर वाले में 1 होगा और नीचे वाले में 5 आ चुका है। अब हम नेम को भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर नेम को हम लिख देते हैं राहुल, और अब हम देखने को मिलेगा कि राहुल जो है वर्ड है वो सिर्फ वहीं पर काम करेगा जिससे पहले वो लिखा हुआ है, यानी वो पूरे उसको सिस्टम को चेंज नहीं करेगा, ओनली उसी लाइन को चेंज करेगा, उसी प्रिंट को चेंज करेगा जिससे पहले वो लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ नेम राहुल चेंज हुआ लास्ट लाइन में और जो नंबर है वो भी लास्ट लाइन के लिए चेंज हुआ। तो ये ऐसे भी आप कर सकते हैं कोडिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसा इतना तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें कि आपको मैं और ज़्यादा बेसिक और एडवांस सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखते रहिएगा 1 मिनट सॉल्यूशन।